गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा कल गठबंधन की राजनीति वाला अध्याय है वो समाप्त हो गया है। आज हम इकाई नंबर 4 में प्रवेश करेंगे। इस पाठ का नाम है भारत की विदेश नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत की विदेश नीति की विशेषता और गुटनिरपेक्षता। ये पाठ है करैक्टर या करैक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड नॉन अलाइड मूवमेंट। नॉन अलाइड मूवमेंट के बारे में ये अध्याय है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमें अपनी आज़ादी वो 1947 में प्राप्त हुई थी। तो 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, उससे पहले ही हमारी विदेश नीति ने अपना रूप है वो लेना शुरू कर दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही हमारी विदेश नीति ने साकार रूप लेना शुरू कर दिया था। स्वतंत्र विदेश नीति का संकल्पना है वो हमारे सामने थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया है वो दो गुटों में बट गई थी। एक तरफ तो अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट था, एक तो अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट था जिसका नेतृत्व अमेरिका या यूएसए कर रहा था। दूसरी ओर एक समाजवादी या साम्यवादी गुट भी था, समाजवादी गुट था, उसका नेतृत्व है वो सोवियत संघ कर रहा था। सोवियत संघ है वो, उस गुट का नेतृत्व है वो कर रहा था। तो दुनिया है वो दो गुटों में बंटी हुई थी। एक गुट का नेतृत्व है वो अमेरिका कर रहा था, दूसरा जो गुट है उसका नेतृत्व है सोवियत संघ कर रहा था। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी कि हम किस गुट में शामिल हों और किस गुट को नज़रअंदाज करें। ऐसी स्थिति में भारत ने क्या किया, दोनों गुटों से अलग रहने, दोनों गुटों से पृथक रहने और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने का निश्चय किया, जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति, नॉन अलाइड मूवमेंट, यानी कि हम दोनों गुटों में से न तो अमेरिका के गुट यानी पूंजीवादी गुट और न ही सोवियत संघ का जो समाजवादी या साम्यवादी गुट है, दोनों में से शामिल नहीं होंगे और स्वतंत्र रहकर अपनी विदेश नीति का परिपालन करेंगे। तो स्वतंत्र रहकर हमने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया। तो जो यह नीति है वो किस नाम से जानी जाती है बेटा, गुट निरपेक्ष नीति। कौन से नाम से, गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष नीति, जिसके तहत हमने दोनों गुटों से पृथक और अलग रहने की नीति अपनाई। उस नीति का नाम क्या है, गुट निरपेक्ष नीति, नॉन अलाइनमेंट कॉरपोरेशन या गुट निरपेक्ष नीति, जिसके तहत न तो हमने अमेरिका के पूंजीवादी गुट में और न ही सोवियत संघ के साम्यवादी या समाजवादी, साम्यवादी या समाजवादी गुट, दोनों में से किसी में भी शामिल होना स्वीकार नहीं किया और दोनों गुटों से पृथक और अलग रहने की नीति अपनाई, जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। तो हमारा यह भी संकल्पना थी कि हम विश्व में उपनिवेशवाद, रंग भेद, साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे। तो विदेश नीति का जो ताना बाना हमने उस समय बुना था, उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी। पहली विशेषता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, द पॉलिसी ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, द पॉलिसी ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जियो और जीने दो। तो पहली हमारी विदेश नीति का प्रमुख तत्व क्या रहा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। तो पहली हमारी जो विदेश नीति का प्रमुख विशेषता क्या थी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, न केवल हम अपना अस्तित्व बल्कि दुनिया का भी अस्तित्व स्वीकार करेंगे, सह अस्तित्व की नीति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, जिसके तहत जियो और जीने दो। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अर्थ क्या अभिप्राय हो गया, ये जियो और जीने दो, न हम
इसका मतलब है कि हम न केवल शांतिपूर्ण जिएंगे बल्कि दुनिया को भी शांति से रखेंगे। दुनिया में जो युद्ध हिंसक घटनाएं हो रही है उससे दुनिया को बचाने का प्रयास है वो करेंगे। तो हमारी जो विदेश नीति है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की रही है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि युद्धों ने मानवता को तहस नहस किया है। युद्ध हिंसा आक्रमण से दुनिया में अशांति फैली और युद्ध से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं निकला। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से मानवीय जीवन पर गहरा संकट आया और करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला। के एम पणिकर के अनुसार भारत को इस बात की चिंता है कि उसकी प्रगति को सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध न हो। तो भारत को हमेशा इस बात की हमेशा चिंता रही है कि उसकी प्रगति, उसकी उन्नति, उसकी आगे बढ़ने की जो नीति है सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध न हो, कोई युद्ध है वो न रहे। इस नीति के चलते हुए हमने विश्व में अपनी भूमिका तय की है। तो भारत को इस बात की चिंता है कि उसकी प्रगति को सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध न हो। ऐसा भविष्य में कोई ऐसा युद्ध नहीं हो जैसा कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जिससे पूरी मानवीय जीवन है वो संकट में पड़ गया था। तो भारत की प्रगति और संसार की प्रगति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भारत की प्रगति में ही संसार की प्रगति है। न हम लड़ेंगे और न किसी को लड़ने देंगे। तो इस नीति के चलते हुए हमने विश्व में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे रिश्ते इस नीति को प्रभावित हो रहे हैं। हमारे जो पड़ोस में दो देश हैं चीन और पाकिस्तान, उनसे हमारे जो संबंध है वो अधिक अच्छे नहीं रहे। विशेषकर पाकिस्तान के साथ हमेशा संबंधों में कटुता रही है, यद्यपि कई बार इसे हमारी दुर्बलता भी माना गया है। 1956 का स्वेज नहर संकट हो, 1967 का अरब इजराइल युद्ध हो, 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हो, 1962 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1965 में पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया, तो 1962 का चीन के साथ संघर्ष हो, चाहे 1971 में 72 में बांग्लादेश का निर्माण हो और पाक के साथ टकराव हो, हमने कभी भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की इस नीति को नहीं छोड़ा। हमारा उद्देश्य कभी भी युद्ध को अपनाना नहीं था, लेकिन जब दुश्मन ने हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया तो हमने उसका परिकार किया या हमने उसे अपनाया। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की हमारी जो विदेश नीति है, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो नीति है वो हमारी संस्कृति में जो मूल मंत्र है जियो और जीने दो, खुद भी शांति से रहो और दूसरे को भी शांति से रहने दो। तो हमारे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो नीति है वो हमारे विदेश नीति का मूल मंत्र रही है, जिसका अभिप्राय है जियो और जीने दो। न केवल हम शांति से रहेंगे बल्कि दुनिया को भी शांति से रहने देंगे। तो जियो और जीने दो कि हमारी ये विदेश नीति रही है जो आज भी राष्ट्र की आंतरिक और विदेश नीति को दिशा देती है। हमने कभी भी किसी दुनिया के किसी देश पर हमला नहीं किया, चाहे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, किसी भी समय देख लो, भारत ने दुनिया के किसी देश पर स्वयं कभी भी हमला नहीं किया है और आज भी ये हमारी विदेश नीति का प्रमुख तत्व रहा है, जिसमें हमने जियो और जीने दो को सिद्धांत को हमेशा अपनाया जो भारतीय धर्म संस्कृति के अनुकूल है। हमने कभी हमला किया है, जब स्वयं पर हमला हुआ है तो हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार है वो उठाए हैं। दूसरा हमारा बिंदु है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। आपको पता है भारत लंबे समय तक ब्रिटिश उपनिवेश और साम्राज्यवाद का दंश झेलता रहा है। जब विदेशी आक्रांता भारत में आए, उन्होंने भारत को लूटा खसोटा, तो हम उपनिवेशवाद और विदेशी साम्राज्यवाद का लंबे समय तक शिकार रहे। हमने लंबे समय तक इस दंश को झेला है, लंबे समय तक हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं। तो उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को अपनी कॉलोनी बनाकर, अपनी एक क्षेत्र बनाकर उसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शोषण करता है तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं।
हमने हमेशा हमारी जो विदेश नीति है उसका आधार क्या रहा है? उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध, और साम्राज्यवाद का विरोध हमने हमेशा किया है। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का हमने विरोध हमेशा किया है। उपनिवेशवाद का हमने दंश स्वयं झेला है, उपनिवेशवादी अराजक तत्वों को हमने झेला है, इसलिए हमने हमारी जो विदेश नीति रही है उसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का हमने हमेशा विरोध किया, विश्व के चाहे किसी भी हिस्से में हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको पता है एशिया अफ्रीका के अधिक देशों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, तो हमने उनके स्वतंत्रता आंदोलन का हमेशा समर्थन किया। हमारी स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हमने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का हमेशा विरोध किया। 1956 में मिस्र पर हमला हो या खाड़ी में अमेरिका का कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हो, हमने चाहे महाशक्ति हो चाहे कम शक्तिशाली देश हो, उसकी साम्राज्यवादी निरंकुश अत्याचारी उपनिवेशवादी नीति को, प्रसारवादी नीति को, उसकी विस्तारवादी नीति का हमेशा विरोध किया है। हमने चाहे महाशक्ति ही क्यों न हो, हमने महाशक्तियों की विस्तारवादी नीति का हमेशा विरोध किया है, हमेशा विरोध किया है। हमने हमेशा महाशक्तियों की विस्तारवादी नीति का हमेशा विरोध किया है। रंग भेद का विरोध, आपको पता है ब्रिटिश शासनकाल में हमें भारतीयों को काले कहकर संबोधित किया जाता था। हमने लंबे समय तक इस रंग भेद की दंश को झेला है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, अफ्रीकी लोगों को एकजुट किया था। तो विश्व में जहाँ भी नस्ल, उसके रंग, उसके स्वरूप के आधार पर जो भी भेदभाव रहा है, हमने उसका हमेशा विरोध किया है। तो रंग भेद का विरोध हमने, हमारी विदेश नीति का प्रमुख तत्व रहा है कि हमने रंग भेद की नीति का विरोध हमेशा किया है। हमने हमेशा रंग भेद की नीति को गलत माना है, अव्यवहारिक माना है, क्योंकि हमारा मानना है कि इंसान सभी बराबर है। धर्म, जाति, नस्ल, रंग, वर्ण के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो विश्व में नस्ल या मनुष्य के रंग के आधार पर जो भेदभाव है उसका हमारी विदेश नीति का प्रमुख आधार रहा है। हमने हमेशा रंग भेद की नीति को गलत माना है। नेल्सन मंडेला की आज़ादी और उनके सत्तारूढ़ होने से पहले रंग भेद दक्षिण अफ्रीकी सरकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विच्छेद हमारी इस नीति को अंकित करता है। तो नेल्सन मंडेला की आज़ादी और उनके सत्तारूढ़ होने से पहले जो वहाँ की काली सरकार या जो गोरी सरकार थी वहाँ पर काले लोगों के साथ, या जो अफ्रो लोग हैं उनके जो साथ जो रंग भेद का बर्ताव किया जाता था, उनका हमने हमेशा विरोध किया है। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के नेतृत्व में वहाँ के अश्वेत या काले लोगों ने एकजुट होकर वहाँ की गोरी, काले नहीं बल्कि गोरी सरकार जो अंग्रेजी सरकार थी, उसका विरोध किया है। भारत में भी अंग्रेज थे, वो अपने आप को सर्वोच्च मानते थे और भारतीयों के साथ रंग भेद के आधार पर भेदभाव करते थे। हमने उस नीति का भी हमेशा विरोध किया है। हमने हमेशा से, हमारी नीति रही है कि हमने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन किया है, चाहे प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्रसंघ हो और चाहे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम UNO कहते हैं, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO। तो हमने, हमारी विदेश नीति की विशेषता रही कि हमने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का खुलकर समर्थन दिया है। स्वतंत्रता से पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को प्राप्त कर चुके थे। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना और स्वतंत्रता से पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन चुके थे। स्वतंत्रता के बाद हमने क्या किया है,
इसको सदस्यता को बढ़ाने और इसके विभिन्न कार्यक्रमों और एजेंसियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है वो अटूट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने अपना हमेशा दावा किया है, जो हमारी विदेश नीति की सफलता का द्योतक है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत की आबादी 135 करोड़ है। भारत सैन्य क्षेत्र में भी एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत है उस दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसे कुछ पैमाने जिसके आधार पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं जिसको, उसकी स्थायी सदस्यता का दावा हमेशा पेश किया है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति की सफलता का द्योतक रहा है। तो हमने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन किया है। जो भी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का को हमने समर्थन दिया है। हमने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन दिया है। हमने दुनिया में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी हैं उनको सीधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन हमने किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से हम इसके सदस्य बन चुके थे और आज भी हम लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ के में सुरक्षा परिषद उसके लगातार विस्तार की मांग कर रहे हैं हम, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियाँ वो 75 साल में बदली है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या में अभी वृद्धि होनी चाहिए। भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील जैसे देशों को, भारत हो चाहे जर्मनी हो चाहे जापान हो चाहे ब्राज़ील जैसे देश हो, जो बड़े विकसित देश हैं उनको भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। पंचशील का सिद्धांत हमने हमेशा ही आचरण के जो पांच शील का अर्थ है पांच सिद्धांत, पंचशील के सिद्धांत का हमेशा समर्थन किया है। पंचशील, पंच माने पांच, शील माने आचरण, आचरण के पांच सिद्धांत, पांच प्लस आचरण यानी आचरण के पांच सिद्धांत। तो हमेशा आचरण के पांच सिद्धांतों पर हमारी विदेश नीति शुरू हुई है चीन के साथ और कालांतर में अन्य देशों के साथ रही है। ये सिद्धांत क्या है? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना, पारस्परिक सम्मान का भाव, अनाक्रमण, किसी पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता, एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो एक दूसरे की अखंडता का सम्मान, अनाक्रमण, किसी देश पर हमला नहीं करना, किसी के अहस्तक्षेप, किसी देश के मामले में हस्तक्षेप न करना, समानता, इक्वालिटी और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइड मूवमेंट, जिसका अर्थ है कि हमने विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया में दो गुट बन गए थे उन दोनों गुटों से अलग पृथक रहने की नीति अपनाई। जो अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में जो गुट थे उन गुटों से हमने अपने आप को स्वतंत्र रखा और हमारी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया, जिसे हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी कहते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर और इसके अलावा डॉक्टर सुकार्नो प्रमुख नेता थे। तो गुट निरपेक्षता का हमने हमेशा समर्थन किया है। गुट निरपेक्ष नीति को हमने हमेशा अपनाया है। तो गुट निरपेक्षता हमारी विदेश नीति का प्रमुख तत्व रहा है। गुट निरपेक्षता की नीति हमारी विदेश नीति का प्रमुख तत्व रहा है। तो गुट निरपेक्षता की नीति है उसे हमने अपने विदेश नीति के रूप में अपनाया है। तो जैसा मैंने आपको बताया पंचशील का सिद्धांत ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गुट निरपेक्षता की नीति ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पंचशील के पांच सिद्धांत, पांच माने पांच, शील माने आचरण, आचरण के पांच सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रादेशिक अखंडता, सर्वोच्च सत्ता, प्रादेशिक, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना, सर्वोच्च सत्ता के लिए सम्मान का भाव, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता और शांति, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये हमारे विदेश नीति के प्रमुख तत्व रहे हैं, पंचशील के सिद्धांत। तो आज हमने भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ा है। कल हम अपना अध्याय आगे शुरू रखेंगे।
आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।